नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। चीन में विदेश मंत्री के बाद रक्षा मंत्री ली शांगफू के भी गायब होने की रिपोर्ट्स है। जापान में अमेरिका के राजदूत रैम इमैनुअल ने चीन में बढ़ते राजनीतिक उलटफेर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 सप्ताह से चीन के रक्षा मंत्री नहीं देखे गए हैं। इससे पहले चीन की सेना के रॉकेट फोर्स के जनरल भी गायब हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को 29 अगस्त 2023 के बाद से ही नहीं देखा गया है। उन पर 2017 में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही थी। उन्होंने आखिरी बार चीन अफ्रीका शांति और सुरक्षा फोरम को संबोधित किया था। इससे पहले वो सिक्योरिटी फोरम में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान शांगफू ने चीन को घेरने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने पर अमेरिका पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसा कर आग से खेलने का काम कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्री जिस दिन से गायब हैं, उसी समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना में एकता रखने और स्थिर रहने की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को भी कहा है। चीनी मंत्री ली को मार्च 2023 में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।